सर सबसे मेन सवाल ये है, अमित शाह जिस तरह से चौधरी को बुलाकर गन्ने की समस्या या अन्य जो समस्याएं हैं उनके हल करने की बात करें, और अक्सर की बात पाँच साल इन्हें 5 साल दिए थे, 5 साल पूरे हो रहे हैं, अब हल निकालेंगे? अब तो उनकी जमीन निकल गई, अब क्या हल निकालेंगे? किसी बात नहीं, डर है। जो पार्टी कह रही थी कि हम 300 प्लस सीट जीतेंगे, अगर उनकी बहुमत आ रही होती तो क्या वो बैठक लेते? तो ये जनता का दबाव है। 2017 में भी इस तरह से उन्होंने चौधरी को बुलाया था, किया था, लेकिन हल क्या निकला? उससे क्या मिला लोगों को? आज नाराजगी एक जाति में नहीं है, सवाल एक वर्ग का ही नहीं है, सभी लोग नाराज हैं बीजेपी से। चबनने वाली क्या बात है? मैंने इतना कहा कि हम लोग इतने हल्के नहीं हैं, इतना हल्के में ना लिया जाए। हमने एक फैसला लिया है, उस पर अटिक रहेंगे। नाराज नहीं नजर आता, जिस तरह आपने खदोली में कहा कि कोई नाराज हो तो मुझसे बात करें, मुझसे नाराज हो तो देखा। हाँ, वो मेरा तरीका था। चौधरी साहब के साथ इस क्षेत्र की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। चौधरी अजीत सिंह जी का आखिरी चुनाव में मुजफ्फरनगर से लड़े थे, तो मैं चाहता हूँ कि लोग उस बात को जरूर रखें अपने दिल में, अपने जहन में। धन्यवाद सर। सबसे मेन सवाल ये है, अमित शाह जिस तरह से चौधरी को बुलाकर गन्ने की समस्या या अन्य जो समस्याएं हैं उनके हल करने की बात करें, और अक्सर की बात 5 साल इन्हें 5 साल दिए थे, 5 साल पूरे हो रहे हैं, अब हल निकालेंगे? अब तो उनकी जमीन निकल गई, अब क्या हल निकालेंगे? किसी बात नहीं, डर है। जो पार्टी कह रही थी कि हम 300 प्लस सीट जीतेंगे, अगर उनकी बहुमत आ रही होती तो क्या वो बैठक लेते? तो ये जनता का दबाव है। 2017 में भी इस तरह से उन्होंने चौधरी को बुलाया था, किया था, लेकिन हल क्या निकला? उससे क्या मिला लोगों को? आज नाराजगी एक जाति में नहीं है, सवाल एक वर्ग का ही नहीं है, सभी लोग नाराज हैं बीजेपी से। चबनने वाली क्या बात है? मैंने इतना कहा कि हम लोग इतने हल्के नहीं हैं, इतना हल्के में ना लिया जाए। हमने एक फैसला लिया है, उस पर अटिक रहेंगे। नाराज नहीं नजर आता, जिस तरह आपने खदोली में कहा कि कोई नाराज हो तो मुझसे बात करें, मुझसे नाराज हो तो देखा। हाँ, वो मेरा तरीका था। चौधरी साहब के साथ इस क्षेत्र की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। चौधरी अजीत सिंह जी का आखिरी चुनाव में मुजफ्फरनगर से लड़े थे, तो मैं चाहता हूँ कि लोग उस बात को जरूर रखें अपने दिल में, अपने जहन में। धन्यवाद।